Subscribe to App Institute and get the international education about computers and technical science. गाइज, इस वीडियो में हमें इस वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखना है। इस वेब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है कि जब आप इस पे कर्सर ओवर करोगे तो ये जो बेबी है वो एनिमेट करना शुरू कर देगा, और जब आप कर्सर हटाओगे तो बेबी एनिमेट करना बंद कर देगा। ओके, सो प्रॉपरली अचीव करते हैं कि इस वेब एप्लीकेशन को आप कैसे डेवलप करोगे। और इसको डेवलप करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आपको करनी होंगी। आप डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे किसी भी नाम से। तो जैसे मैं एक वेब के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, और ध्यान दे, आपके पास दो पिक्चर्स होने चाहिए। एक ऐसा पिक्चर्स जो विदाउट एनिमेटेड हो, यानी कि जिसमें एनिमेशन ना हो, और दूसरा जो ऑलरेडी पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेटेड हो। ओके, तो आप देख रहे हो ये पिक्चर्स पहले से ही एनिमेटेड फॉर्म में बना हुआ है, तो इसको मैंने फोटोशॉप में बनाया है। अगर आपको बनाने नहीं आती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के फोटोशॉप वाले प्लेलिस्ट को चूज़ करें और उसमें देखें कि मैंने कहाँ पे एनिमेशंस के बारे में पढ़ाया है। ओके, सो इन दोनों फ़ोटो का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लोगे, फिर इसे डेवलप करने की कोशिश करोगे। सो आपको क्या करना है, आपने जो फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर में इन दोनों फ़ोटो को इंसर्ट कर लेना है। ओके, एक फ़ोटो जो एनिमेट नहीं हो रहा है उसकी एक्सटेंशन है .png, आप याद रखो, और जो फ़ोटो एनिमेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक्सटेंशन GIF होती है। ओके, तो इतना करने के बाद आप अपने कोडिंग सेक्शन को स्टार्ट करोगे। कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कर लो, जैसे कि नोटपैड स्टार्ट कर लो या नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपको HTML लैंग्वेज आती है तो HTML लैंग्वेज के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट करके इन सारे कोड्स को आप बॉडी टैग के बीच में लिखोगे। अगर आपको HTML लैंग्वेज नहीं आती है तो सिंपली आप इनको राइट कर दोगे जो मैं लिख रहा हूँ शो। ओके, सो सबसे पहले मुझे फ़ोटो इंसर्ट करना होगा, तो मैं img टैग के ज़रिए src एट्रीब्यूट लगाऊंगा और फ़ोटो को इंसर्ट कर दूंगा, वो फ़ोटो जो एनिमेट नहीं हो रहा है। ओके, तो उस फ़ोटो का नाम है बेबी और उसकी एक्सटेंशन कोड है png। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। आप सेव वहीं पे करोगे जहाँ पे फ़ोटो होगा, तो फ़ोटो जो है आपका वो वेब नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो इसी फोल्डर में इस फाइल को किसी भी नाम से सेव करोगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन .html रखोगे, क्योंकि आपने html के शब्दों में कोडिंग किया है। ओके, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है। परफेक्ट, मैं इसे सेंटर पे दिखाना चाहता हूँ, तो HTML के शब्दों में इसे सेंटर पे दिखाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली सेंटर टैग से इसे लॉक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये जो फ़ोटो है वो सेंटर पे नज़र आएगा। ओके, अब हमें फंक्शनलिटी जनरेट करनी है कि जब मैं बेबी पे कर्सर ओवर करूँ तो बेबी एनिमेट हो। तो बेबी एनिमेट नहीं हो रहा है, आप ध्यान दो, जैसे ही मैं बेबी पे कर्सर ओवर करूँगा ऑटोमेटिक ये जो ऑर्डिनरी फ़ोटो है वो इस फोटो में चेंज हो जाएगी, जो फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेटेड फॉर्मेशंस में है। ओके, और जब मैं बेबी से कर्सर हटा रहा हूँ तो ये फ़ोटो चेंज होके इस फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेक्निकल कोडिंग का कॉन्सेप्ट यही है। सो प्रॉपरली अचीव करते हैं कि कर्सर ओवर करने पे ये फ़ोटो कैसे इतना जल्दी इंसर्ट हो जाएगा जिससे हमारे विजिटर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और कर्सर आउट करते ही ऑटोमेटिक ये कैसे चेंज हो जाएगा जिसके बारे में हमारे विजिटर्स को पता नहीं चलेगा। सो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है, इस img टैग का कोई नाम डिफाइन करना है। ओके, तो कोई नाम डिफाइन करने के लिए आप नेम एट्रीब्यूट से कोई भी नाम इसमें डिफाइन कर दो, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया रिजल्ट। ओके, ये रखना कंपलसरी है, ये आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया है। ओके, तो क्या चाहता हूँ मैं, जब मैं इस फ़ोटो पे कर्सर ओवर करूँ
तो वो एनिमेशंस वाला पिक्चर्स वहाँ आ जाए। तो कर्सर ओवर करूँ तो इसके लिए माउस का इवेंट आपको राइट करना होगा ऑन माउस ओवर। ये एक माउस इवेंट है जो डिफाइन करता है कि जब आप कर्सर ओवर करोगे इस इमेज पे तो क्या होगा, जो होगा वो आप इसके अंदर डिफाइन करो। तो क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट में जो रिजल्ट है, जरा आप ध्यान दो, किस फोटो में हमें बदलाव करनी है, ये फोटो जिसको हमने इंसर्ट किया है, ओके, तो इस फोटो को जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये फोटो बदलेगा नहीं। तो ये फोटो कहाँ मौजूद है, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ना, तो इसलिए हमने यहाँ राइट किया है डॉक्यूमेंट डॉट रिजल्ट। का क्या मतलब है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर रिजल्ट का मतलब है ये वाला फोटो। आप ध्यान से देखो, इसी फोटो का नेम एट्रीब्यूट से मैंने नाम रखा है रिजल्ट। तो डॉक्यूमेंट डॉट रिजल्ट का मतलब है मैंने उस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है जिस फोटो में मुझे बदलाव करना है। तो सिंपली मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है, फोटो में बदलाव करने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा src एट्रीब्यूट को। जरा आप ध्यान दो, यहाँ देखो src एट्रीब्यूट है, और इसी src एट्रीब्यूट के वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूँ तो ऑटोमेटिक फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा। तो जहाँ baby.png लिखा गया है वहाँ क्या होगा, src एट्रीब्यूट इज इक्वल टू baby2.gif, क्योंकि वो जो एनिमेशन वाला फ़ोटो है उस एनिमेशन वाले फ़ोटो का नाम है बेबी टू, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन है गिफ। ओके, एसआरसी का जो वैल्यू है वो ड्यूअल कोट से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब है इसे भी मुझे ड्यूअल कोट से घेरना होगा। लेकिन ध्यान दो, यहाँ भी ड्यूअल कोट है, यहाँ भी ड्यूअल कोट है, तो अगर मैं इस तरह से इसको ड्यूअल कोट से घेर दूँ तो ये गलत हो जाएगा। ड्यूअल कोट के अंदर किसी कंटेंट को अगर मार्क करना कंपलसरी है ड्यूअल कोट से, तो उसे आप ड्यूअल कोट से ना घेर के सिंगल कोट से घेर सकते हो। ओके, तो जरा ध्यान दो, ये फ़ोटो कब चेंज होगा, जब आप इस फोटो पे कर्सर ओवर करोगे तब। आप रन करके चेक करो, देखो किस तरह का दिख रहा है। ओके, सो रिफ्रेश करके जरा आप ध्यान दो, जैसे ही मैं कर्सर ओवर कर रहा हूँ ये फ़ोटो एनिमेट हो रहा है, जब मैं कर्सर हटाऊँगा फिर भी ये एनिमेट हो रहा है क्योंकि इसका फ़ोटो चेंज हो चुका है। तो मुझे ये भी डिफाइन करना होगा कि जब मैं कर्सर हटाऊं तो ये फ़ोटो चेंज होके, यानी कि बेबी टू डॉट गिफ चेंज होके बेबी डॉट पीएनजी में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो ये डिफाइन मैं कैसे करूंगा, तो सिंपली ऑन माउस ओवर का मतलब है जब मैं माउस उस पर रखूँगा तब। लेकिन इसी चीज़ को, ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पहले इसे कॉपी कर लिया मैंने, ओके, और फिर इसी में स्पेस देकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जहाँ मैंने लिखा है ऑन माउस ओवर वहाँ लगाऊंगा ऑन माउस आउट। तो ऑन माउस आउट का मतलब क्या हुआ, जब मैं इस इमेज के ऊपर से कर्सर हटाऊंगा तब क्या होगा, जो होगा वो मुझे ड्यूअल कोट में डिफाइन करनी है। तो सेम प्रोग्राम रहेगा, जो फोटो बेबी टू डॉट गिफ में कन्वर्ट हो चुका है उसी फोटो को मुझे कन्वर्ट कर देना है बेबी डॉट png में। ओके, अब जरा आप सेव करके रन करके रिफ्रेश करो, देखो जैसे ही मैं कर्सर ओवर कर रहा हूँ एनिमेट हो रहा है। तो टेक्निकली ये एनिमेट नहीं हो रहा है, कर्सर ओवर करने पे फ़ोटो चेंज हो रहा है, कर्सर हटाने पे भी फ़ोटो चेंज हो रहा है। कर्सर ओवर करने पे गिफ वाला फ़ोटो आ जा रहा है, और कर्सर आउट करने पे ऑर्डिनरी फ़ोटो जो png में है वो आ जा रहा है। क्लियर? सो गाइस, अगर वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे। ओके, कोई प्रॉब्लम्स या कोई क्यूरीज है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में राइट करे या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करे। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करे, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करे। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट and get the international education about computers and technical science.